फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, माय सेल्फ राजकमल। फ्रेंड्स, आज जिस शेयर की हम बात करने जा रहे हैं वो है सी कोस्ट शिपिंग। ये शेयर इस वक्त 4.24 रुपये पे बार पैक चल रहा है। और फ्रेंड्स, इसका जो 52 वीक हाई है वो 25.40 रुपये समथिंग है, और 52 वीक लो 2.05 रुपये समथिंग। फ्रेंड्स, इसमें एक ज़बरदस्त डाउनफॉल आया और ये शेयर 90% से भी ज़्यादा का डाउनफॉल लेके लो सर्किट में चलता रहा और 2.05 रुपये पहुँच गया। फ्रेंड्स, अब इसमें एक अपर मूवमेंट आया और ये शेयर सब 4.24 रुपये। क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है, इसमें क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो इन्वेस्टर्स अपर लेवल में फंसे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको एवरेज बनानी चाहिए, तो फ्रेंड्स इन सारी बातों को जानने के लिए आप प्लीज़ बने रहें कंटिन्यू मेरे साथ वीडियो में, स्किप ना करें। अदरवाइज़ आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं इसमें कुछ तथ्य ऐसे बताने वाला हूँ जिसमें कि आपको हेल्प होगी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। और अगर आप पुराने व्यूअर हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके फंसे हुए हैं, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनका एक मन बनेगा इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, कुछ थोड़ी सी बातें मेरी जान करके सुन करके। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस की, 2021-2022 की, तो 2021 में जो परफॉर्मेंस था उससे थोड़ा सा डाउनफॉल था परफॉर्मेंस 2022 में, क्योंकि 2021 में जो नेट इनकम थी कंपनी की वो थी 11 करोड़ समथिंग, और जो 2022 में नेट इनकम थी कंपनी की वो थी 2 करोड़ समथिंग ईयर टू ईयर, इसलिए भी इसमें कितना डाउनफॉल आया। लेकिन इस शेयर में वापस एक तेज़ी बनी है, वो तेज़ी बनने का कारण क्या है आइए उसको भी जानते हैं। हम पिछले 5 क्वार्टर्स के रिजल्ट को एनालाइज़ करेंगे पहले, तब हम इस बात को जान पाएंगे कि भाई इसमें एकदम से इतनी तेज़ी क्यों बनी और ये तेज़ी क्यों बन रही है और आगे क्या हो सकता है और ऐसा क्यों होगा। फ्रेंड्स, जो पिछले साल के जो 4 क्वार्टर्स है और करंट ईयर के जो 1st क्वार्टर उसको हम एनालाइज़ करते हैं, उसे फाइनेंशियल वैल्यूज जानते हैं, तो उसमें यही पता लगेगा कि लास्ट ईयर का जो 1st क्वार्टर था उसमें कंपनी को नेट इनकम थी 3 करोड़ समथिंग की, 2nd क्वार्टर में नेट इनकम 6 करोड़ के आसपास की इनकम थी, और 3rd क्वार्टर में नेट इनकम 5 करोड़ समथिंग की थी। पहले इनकम 1st क्वार्टर में, 2nd क्वार्टर में इम्प्रूवमेंट, 3rd क्वार्टर में थोड़ा सा डाउनफॉल, और 4th क्वार्टर में वापस से नेट इनकम की जगह नेट लॉस 2 करोड़ समथिंग का। तो आप 3 क्वार्टर का एनालाइज करेंगे, 2nd, 3rd और 4th तो डाउनफॉल, लेकिन ये वापस से जो 1st क्वार्टर है जून 2022 इसमें वापस से कंपनी को नेट इनकम हुई है और वो भी 3 करोड़ समथिंग। अगर पिछले 1st क्वार्टर से आप कंपेयर करेंगे पिछले साल के 1st क्वार्टर से, तो अप्रॉक्स सेम लेवल है नेट इनकम का, थोड़ा सा डाउनफॉल होगा 2-3-5%, बाकी अप्रॉक्स सेम परफॉर्मेंस, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो बेटर परफॉर्मेंस। अब इसमें मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि शेयर तो 25.40 रुपये 2.05 रुपये तक आ गया, 95% तक का डाउनफॉल हो गया, और सर आप हमें इन्वेस्टमेंट करने को कह रहे हैं, क्योंकि कंपनी का वर्किंग लेवल जो परफॉर्मेंस है बेटर है, कंपनी से रेवेन्यू जनरेट होता है, प्रॉफिट भी होता है, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है कंपनी को एक अपर लेवल पे ले आ सकता है, आने वाले टाइम में उसको और अच्छा प्रॉफिट करा सकता है, क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के मूड में, और इतना सब कुछ होने के बाद में भी देख लीजिए कंपनी की जो प्रमोटर है उनकी जो होल्डिंग है वो मोर देन 50% है। इसमें FIAs की भी होल्डिंग है और DIAs की भी होल्डिंग है। अगर FIAs की होल्डिंग, DIAs की होल्डिंग और प्रमोटर की होल्डिंग बनी हुई है, तो इसका मतलब कंपनी में कुछ सही करने की सोच रखी है। और फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसमें राय दे रहा हूँ कि 80% से भी ज़्यादा का डाउनफॉल इसमें अभी भी है, अभी भी शेयर 5 रुपये से नीचे है। अगर मौका मिलता है 5-6 रुपये के आसपास, तो उन लोगों को तो ज़रूर एवरेज बनाना चाहिए जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपर लेवल पे, 15 रुपये के ऊपर, 20 रुपये के ऊपर या 24-25 रुपये के आसपास के लेवल पे। और जिस तरह से इसकी जो पिछले साल की जो तीन क्वार्टर्स थे उनमें इनकम भी थी, 1 क्वार्टर में लॉस भी था, वापस 1st क्वार्टर में अच्छा वापस नेट इनकम जनरेट हुई, और आने वाले टाइम में वापस से ये 6 महीने हो सकते हैं इस कंपनी के लिए नेट इनकम और प्रोग्रेस लेकर आए, और कंपनी का शेयर जिस हिसाब से जितना डाउनफॉल पे गया था उतना नहीं जाना चाहिए था कंपनी की प्रोग्रेस को देखते हुए, कंपनी नेट इनकम को देखते हुए, लेकिन चला गया। अभी वापस से एक अपर ट्रैक मूवमेंट पे आ रहा, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब वापस से कंपनी वर्किंग लेवल्स को बढ़ाए और बिजनेस में इंप्रूवमेंट आए, तो वापस से शेयर कपड़ा लेवल पे आकर के इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसमें एक राइट इशू भी ला रही है कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों को जानने के बाद जो मैंने आपको बताई, आप रिसर्च कीजिएगा, एनालाइज़ करिएगा मेरी बात को, और वाकई 5 रुपये के नीचे का इन्वेस्टमेंट इसमें बनता है, अपर बाइंग लेवल बनता है 5-6 रुपये तक इसमें इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रीब्यूट है। और अगर इसमें लोअर सर्किट लगे तो आप वेट एंड वॉच कीजिएगा, थोड़ा लोअर सर्किट अगर 1-2 दिन लगे कंटिन्यूसली नीचे जाए तो आप थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, होल्ड करने का मतलब है कि आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, वॉच करते रहिए इस शेयर को। अगर इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल जाकर के वापस से एक लेवल आता है इन्वेस्टमेंट करने का, तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर
5 रुपये के लेवल पे अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, 500 शेयर्स भी अगर खरीदते हैं, 250 शेयर्स भी खरीदते हैं एज ए न्यू शेयर होल्डर्स, तो हम खरीद सकते हैं, हम चांस ले सकते हैं, क्योंकि इसे थोड़ा सा एक फास्ट ट्रैक मूवमेंट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा तेज़ी से आएगा और ये शेयर 10 रुपये के ऊपर निकल सकता है। तो फ्रेंड्स जो भी बात थी मैंने आपको बता दी इसमें रिसर्च एनालाइज करने के बाद में, बाकी सब कुछ आप पर है, आप क्या इसमें डिसाइड करते हैं, क्या इसमें रीज़न निकालते हैं मेरे से इतनी चीज़ बताने के बाद में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जुड़ रहा है मेरे चैनल से, पुराने वीडियोज़ को वॉचआउट करें, जो भी बात मैं बताता हूँ अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल के साथ साथ अप्रोप्रिएट बात भी बताता हूँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स बन रहे हैं मेरे चैनल पर और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, अपग्रेड रहे मैं कौन से स्क्रिप्ट के बारे में आपको वीडियोज़ बना करके देता हूँ, ताकि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प होती रहे और आप भी अपग्रेड रहे मेरी बताई हुई स्क्रिप्ट से। पुराने व्यूअर तो जानते ही हैं, न्यूअर भी जान लें कि मैं हमेशा अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देता हूँ, ताकि इन्वेस्टर को उनके इन्वेस्टमेंट पे आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न उनके इन्वेस्टमेंट पे मिल जाए। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।